पहले तो मैं बांदा चित्रकूट लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा किया, और ये भरोसा करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी को इस भारी अंतर से जिताने का काम किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन लड़ा है वो चुनाव जो है उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग अपनी ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर और अपने अहंकार के बल पर जो है विपक्षी दल के लोगों को कमजोर आंक रहे थे। इस बार का चुनाव पूरे देश का जनता ने लड़ा है, देश की जनता ने जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भरोसा किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी सहित पूरे गठबंधन के नेताओं पर भरोसा किया है, और इसके लिए जनता बधाई की पात्र है। और मुझे उम्मीद है कि शाम तक जो परिणाम आएंगे वो ऐसे आएंगे कि इस देश में जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, अभी एग्जिट पोल में अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और डीएम को जिम्मेदार ठहराया, इस पे क्या जी? कल भी ये बात मैंने खुद भी अपने बयानों पर कही थी प्रेस वार्ता में कि जो ईवीएम जो एग्जिट पोल आया था उसका आधार ईवीएम नहीं था, क्योंकि अगर ईवीएम का आधार होता तो जो आज रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट नहीं होते। एग्जिट पोल पहले ही बताता कि नहीं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आधार डीएम को बनाया था, ईवीएम को आधार नहीं बनाया था, डीएम को आधार बनाया था, और जैसी कि चर्चा थी कि पूरे देश में गृह मंत्री जी के द्वारा जो है लगभग 150 जिला अधिकारियों से वार्ता की गई थी, ये वार्ता जो संदेह था और जो ये जनचर्चा थी वो ऐसा लग रहा था कि सचमुच है, इसके बावजूद सुप्रीम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जनमत को हम बधाई देंगे कि जनमत ने जो है, जो जन आक्रोश है, इतना दबाव बनाए रखा कि जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनकी हिम्मत, उनका साहस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कर सके। इसलिए जो आया था कल जो एग्जिट पोल आया था वो एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ, और वो एग्जिट पोल गलत ही नहीं साबित हुआ बल्कि उन प्रेस वालों के लिए भी जो है, जो मुख्यतया जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले, उन लोगों के लिए भी संदेश है कि कम से कम जनता उन पर भरोसा करती है, वो ऐसी चीज दिखाएं जो जनता के लिए सच हो और सच्चाई। अच्छा, मौजूदा सांसद अभी कुछ देर पहले वहां से निकल गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए कुछ नहीं कहना मुझे, चूंकि उनके कार्य को लोगों ने नकार दिया है, जब जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। अगर उनके कार्यों पर पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ क्षेत्र में क्या ऐसा क्या कर पिछले 5 सालों में हमें उनके द्वारा किए हुए कोई कार्य यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हमें अधिकांश ये दिखाई दे रहा है कि जो ट्रक थे उनमें बड़ी बड़ी पट्टियां लगी हुई थी और उस पट्टी के लगे ट्रकों को नहीं रोका जा रहा था, और वो सारे ट्रक सिर्फ और सिर्फ बालू का काम कर रहे थे, और इस बात को जनता जान चुकी है कि मौजूदा सांसद जो वर्तमान में अभी तक थे उनके सांसद के कारोबार कहीं न कहीं गलत कामों से संलिप्त थे, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। मैं तो केवल आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं, एक तो धन्यवाद आपका, बांदा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रकूट की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने इस इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कृष्णा देवी पटेल को विजयी बनाया। और मैं आपका ध्यान एक आकर्षित कराना चाहता हूं कि एक नारा बहुत दिनों से सुन रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम रामलला के हैं, अयोध्या भी वो हार गए हैं, चित्रकूट भी हार गए, जो इतने बड़े घमंड में थे कि जो राम को चैलेंज दे रहे थे उनको भगवान ने कह दिया कि लियो बेटा तुम्हारे लिए ये जगह है, तुम यहाँ रहो। कभी भी किसी घमंड रावण का नहीं रहा, उसके लिए राम को आना पड़ा है, तो इनके घमंड तोड़ने के लिए राम को आना पड़ा है, चित्रकूट में भी हराया है और अयोध्या जी में भी हराया है, दोनों जगह दोनों सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि 2 घंटे बाद इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है, गठबंधन की, इस भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो हमने जनता से वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। हम कोई चुनावी नारा लेके नहीं आए थे,
हम अगर हमने कहा है कि 10 किलो आटा देंगे तो 10 किलो आटा मिलेगा, अगर खटाखट पैसे की बात हुई है तो खटाखट पैसा पहुंचेगा। सरकार भर बनने दीजिए, जब किसानों को आय हमारी किसानों की सरकार है, नवयुवकों की जो नौकरियां गई हैं उनकी नौकरियों की बात है, ये सब देख करके जनता ने आज पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया गठबंधन की बनाने जा रही है। हम सब आज पूर्णतया उल्लासित हैं और जनता को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।